इसमें हम नीचे प्लस ऐड कर दें, उसके बाद हम ये ज्यूम कर लेंगे लेट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई, ठीक है। एट लेट्स एग ओके एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स अगर ए को अप्रोच करता है, सॉरी एक्स प्लस टू को वाई लेंगे, एक्स अगर ए ठीक को है अप्रोच करता है तो वाई किसको अप्रोच करेगा? एक्स ए को वाई करेगा एक्स ए प्लस टू ए प्लस टू। और अगर हम ए प्लस टू को बी ले लें तो वाई किसको अप्रोच कर रहा है? बी। प्लस तो बी को हमारी लिमिट कन्वर्ट हो गई, लिमिट वाई अप्रोचेस टू बी, ठीक है, वाई टू द पावर 5/3 माइनस बी टू द पावर 5/3 अपॉन, किसने ज्वाइन किया है? सर मैंने यश, यस ओके ओके सॉरी सर मैं भूल गया था क्लास से, वो रूटीन है फ्राइडे की क्लास का भी। अच्छा सो वाई किसको अप्रोच करेगा? बी को अप्रोच करेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा नीचे वाई माइनस बी। अब इस पे आप वो रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, 5/3 5.3 इंटू बी टू द पावर 5/3 माइनस वन तो 2/3 5/3 -1, तो फाइव टू बाई बाई थ्री थ्री बी टू द पावर, और इंटू बी को बी रेज टू टू बाई भी चेंज कर देते हैं। बी क्या था? ए प्लस टू ए प्लस रेज टू पावर क्या और हो टू बाई जाएगा? थ्री 2/3, ये इसका आंसर होगा। ओके सर कर लें प्रोबेबिलिटी, कर लें आगे फिर। यस सर कर लें रक्षित, यस उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेंगे, उनको देखना होगा तो देख लेंगे। युविका को तो भेज ही देंगे, उसको तो आया था मैसेज कि मुझे रिकॉर्डिंग दिखा देना। कर ही लेते हैं। तो फिर रह गया कौन? एक। प्रियांश, अच्छा चलो देखो जरा कौन से सम तक कर लिया था हमने। सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी हमने, ठीक है। सिक्सटीन पॉइंट टू यही स्टार्ट करनी थी ना। ए डाइज रोल्ड ई बी द इवेंट डाई शोज 4, ई इवेंट का क्या है? यस कैमरा ऑन करो। यस सर करो। ई बी द इवेंट डाई शोज 4, डाई रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? ये इवेंट क्या है? डाई शोज 4। रक्षित कैसा एग्जांपल है ये? डाई शोज 4 किसका एग्जांपल है? सर सिंपल इवेंट सिंपल इवेंट, ठीक है। एफ क्या है? डाई शोज ए इवन नंबर। डाई शोज इवन नंबर, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? इंटरसेक्शन 0 होता मतलब 5 होता अगर हम ये इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 फोर आएगा, नॉट 5। इसका मतलब हुआ कि ई एंड एफ आर, ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना? ठीक है। यस यस सर। यस सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा? इट आइज थ्रोन डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। डाई थ्रोन तो डाइस फर्स्ट इवेंट तो कंपाउंड इवेंट हो जाएगा, और नंबर लेस देन 7 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर लेस देन 7 में तो सारे ही आ जाएंगे, है ना। यस सर। तो कंपाउंड इवेंट, हाँ, एक से ज्यादा एलिमेंट्री आउटकम है तो ये क्या होगा? कंपाउंड इवेंट होगा।
कंपाउंड इवेंट है ये, ठीक है। सेकंड पार्ट, और नंबर ग्रेटर देन 7 तो इम्पॉसिबल इवेंट। नंबर ग्रेटर देन 7 कैसा इवेंट है ये, बी कैसा है, इम्पॉसिबल इवेंट। श्रेयांश, श्रेयांश सी कैसा इवेंट है, श्रेयांश को आवाज आ रही है। चलो रक्षित आप बताओ सी कैसा इवेंट है। एक मिनट, मल्टीपल ऑफ 3, इसमें दो पॉसिबल आउटकम्स है, तो ये भी कंपाउंड ही होगा। हाँ कंपाउंड इवेंट होगा ये। कैसा इवेंट है ये, कंपाउंड इवेंट है। श्रेयांश को आवाज आई। यस सर। श्रेयांश फोर्थ बताओ, आप एक्सरसाइज देख रहे हैं पेज 393 पे, पेज नंबर सर सही है। एक सेकंड, में बुक खोल रहा हूँ। ओके आप कैमरा हल्का सा नीचे करते हैं। अच्छा यस सर। सर कोई और कर लेगा ये वाला क्वेश्चन, मैं बुक खोल रहा हूँ अभी। हाँ कर लो, आप बुक ओपन कर लो। अच्छा चलो यस आप बताओ, डी नंबर लेस देन 4, तो ये भी कंपाउंड इवेंट होगा। 1 2 3 1 2 नंबर लेस देन 4 यानी कि 1 2 3 कंपाउंड इवेंट है ये, कंपाउंड इवेंट। ठीक है। 5, सर पेज नंबर क्या है, 393 थ्री बेटा। नाइन्टी थ्री रक्षित फिफ्थ वाला बताओ, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, सर ये सिंपल है, इवन नंबर ग्रेटर देन 4 यानी कि सिक्स ही 6, होगा सर। तो फिर ये सिंपल इवेंट हुआ। कैसा इवेंट हुआ ये हमारा सिंपल इवेंट है। सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट भी बोल सकते हो। बुक में कौन सा लिखा है, सिंपल लिखा है ना, दोनों ही लिखे हैं बुक में, और करके वो भी लिखा है एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। एफ क्या होगा बताओ, ये सॉरी 5 6, 6 में दिया एफ, नंबर नॉट लेस देन 3, नंबर नॉट लेस देन 3 यानी कि सर थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स कंपाउंड इवेंट हो गया ये, यस सर। कंपाउंड इवेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। सर इस पे एक चीज और की बनती है, ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, नीचे का पार्ट भी फाइंड करो बच्चों, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। बिगनिंग वाले में छोड़ देता हूँ, ये थोड़े आगे वाले कर लेते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन तो आप कर ही लोगे। सर यूनियन पूरा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा सर, हाँ यूनियन में ए हमने लिखा था क्या, ए 1 से 6 तक था, इंटरसेक्शन 5 होएगा तो ये बी के साथ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे ए माइनस सी फाइंड करना है, इसका एक पार्ट है कि ए माइनस सी फाइंड करो। ए में क्या था बताओ जरा, ए में 1 से 6 तक सभी थे, सी में क्या था 3 6 था, तो ए माइनस सी क्या वन होगा। टू फोर फाइव हाँ 1 2 4 5, 3 और 6 हट जाएंगे इसे, ठीक है। डी माइनस ई क्या होगा, श्रेयांश आप बता सकते हो डी माइनस ई क्या होगा। डी था हमारा नंबर नॉट नंबर लेस देन 4, 1 2 3 नंबर लेस देन 4, ठीक है। सर 1 2 3 हो जाएगा पूरा, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है। और ई में क्या था, 6 था, कोई कॉमन नहीं था, तो यस वन टू सर। कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड। और ये क्या होगा बच्चों, एफ डैश क्या होगा, सर 1 2 3 एफ में था नंबर नॉट लेस देन 3, ये था एफ, तो एफ हो जाएगा 1 2 3। एक पार्ट है ई इंटरसेक्शन एफ डैश फाइंड करना है, जिसमें ई क्या है देखो जरा, 6, एफ में ये है ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या होगा, एफ डैश होगा 1 2 3, सर 3 5 होगा।
हाँ तो फिर ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई में और एफ डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई आएगा। ठीक है, डी माइनस ई क्या होगा, डी माइनस ई, ये डी सर है। 1 2 3 अच्छा डी माइनस ई तो हम फाइंड कर चुके हैं ना। ठीक यस सर। है चलो, एक दो बिगनिंग वाले पार्ट हैं वो आप कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन में। श्रेयांश कैमरा ऑन करो बेटा। सर कैमरा एक्चुअली मेरे पास है नहीं, अभी मैं ऑन नहीं कर पाऊँ। अच्छा कौन सा क्वेश्चन था हमारा, थर्ड। नंबर 3 थर्ड एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम्स अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। रोलिंग ऑफ डाई करते हैं तो टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स आते हैं बच्चों, पेयर ऑफ डाइस। ये हमें कई क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, एक बार इसको ना हम लिख लेते हैं फिर यहीं से रेफर कर लेंगे। ठीक है एक बार लिख ही लो आप भी, अगले 2 3 क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर भी यूज कर लेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सर। आप ये यूनिवर्सल सेट लिख रहे हो? नहीं सैंपल स्पेस बेटा, सैंपल स्पेस सर उसका जिसमें सम डाइस तो है। ग्रेटर देन 8 होना चाहिए ना। नहीं बेटा सैंपल स्पेस वो नहीं होता, ओके 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 हाँ ठीक है। इवेंट है। सैंपल स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स यस सर होता है, यस। जिसे आप यूनिवर्सल सेट कह रहे हो उसको यूनिवर्सल नहीं यस सर बोलते, यस सर समझ गया। सैंपल स्पेस बोलते हैं। जाएगा अब ये क्या कह रहे हैं, ए सम ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 8, सम ऑफ नंबर ग्रेटर देन 8 कौन, किस किस में सम ऑफ नंबर ग्रेटर देन 8 देखो जरा। 3 6 4 5 4 6 5 5 5 फोर फाइव फोर के बाद मेजरली सब भी है। 6 3 दिस दिस दिस। ए में क्या क्या रहेंगे, 3 6 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 6 6 ये आएंगे में। बी क्या है, टू अक्कर्स ऑन इधर डाई, इसमें क्या होगा कौन बता सकता है, बी में क्या होगा। बताओ रक्षित है इधर, यस सर। जिसमें भी 2 आ रहा है वो सारे ले लेंगे। जिसमें भी 2 आ रहा है वो सारे ले लेंगे हम। टोटल 11 आउटकम्स होंगे। सी क्या है, सर सामने 9 है। सम इज, सी में सम इज एटलीस्ट 7, मतलब सम ओके सेवन ओके या 7 से बड़ा होना चाहिए, एंड मल्टीपल ऑफ 3। सम इज सर। तो 3 6 6 3 5 4 4 5 और 6 6। हाँ, सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 9। सम कम से कम 7 होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो कम से कम यस सर। 7, 7 से बड़ा ही होना चाहिए, 7 या 7 से बड़ा। तो 7 या 7 से बड़ा 9 का मल्टीपल क्या होता है,
थ्री का मल्टीपल क्या होता है, 9 या फिर 12। तो सिक्स आपको वो लेने हैं जिनका सम 9 आए और जिनका सम 12 आए, ठीक है, क्योंकि बीच में एंड दिया हुआ है, कम से कम 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो दोनों कंडीशन अप्लाई होंगे। दोनों कंडीशन कॉमन होनी चाहिए। तो 9 का मल्टीपल देख लो, और तो 9 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 3 6 होता है, फाइव सर 3 6 और उसका फोर ऑपोजिट 6 3। फोर फाइव, हम ऐसे लाइन वाइज लिख लेते हैं। यहाँ से 3 6 हो गया, ठीक है, 4 5 हो गया, फिर उसके बाद 5 4 हो जाएगा, 5 4 और फिर 6 3। अब 12 के और मल्टीपल देख सर लेते 6 6 हैं। भी होगा। हाँ, अब 12 के मल्टीपल देख लेते हैं, तो 12 का मल्टीपल तो एक ही होता है, 6 6, यस ये हो, सर। ठीक है। विच पेयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बताओ जरा। विच पेयर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ए इंटरसेक्शन बी चेक सर करो, बी एंड सी, बी एंड सी म्यूचुअली ए और बी में कुछ एक्सक्लूसिव कॉमन है क्या? है। ए और बी में सर दिख तो नहीं रहा। नहीं कुछ कॉमन नहीं है। नहीं है कॉमन, इसका मतलब ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, बी बी इंटरसेक्शन, बी एंड सी भी है। बी इंटरसेक्शन सी, ये भी कॉम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यस सर। बी एंड सी आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड सी को चेक करो, ये नहीं है, है ना, जैसे हाँ सिक्स, इसमें 3.6 भी कॉमन है। हाँ इसमें कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन है इसमें, तो यस सर। यस सर। फिर ये ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर आपने इंटरसेक्शन फाइव लिख दिया। फाइव थोड़ी ना। अच्छा इज नॉट इक्वल टू फाइव लिखा है। ओके 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 नॉट इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, थ्री कॉइन आर टॉस, अगर हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ट्रिपल एच डबल एच टी, कितनी बार आएगा ये, सर। जैसे आपने बताया था वैसे ही लिख दो ना। जो आपने हेड्स हेड सारे एक साथ पहले। क्या कह रहे हो बेटे आप? सर पहले आपको 8 हेड्स साथ में लिखने हैं, फिर 8 टेल्स, फिर अल्टरनेट पे करेंगे हेड टेल्स हेड टेल्स। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, ये आएंगे टोटल 8 आउटकम्स आएंगे, क्या बताना हमें। ए डिनोट्स द इवेंट, 3 हेड शोज, ये क्या है, 3 हेड शॉर्ट में लिख लेते हैं। बी क्या है, 2 हेड, 2 हेड एंड 1 टेल। सी क्या है, 3, सी है हमारा 3 टेल्स, डी क्या है, हेड हेड्स ऑन, पहले आता है। हेड ऑन फर्स्ट टॉस, तो ये क्या हो गया, 3 हेड, 2 हेड एंड 1 टेल, सर इसके दो होंगे। हेड हेड टेल टेल हेड हेड। ये 3 होंगे ना अच्छा बेटे, और भी है। हाँ। 3 हेड ट्रिपल, 3 टेल सॉरी, सर टेल्स। और हेड ऑन फर्स्ट, हेड ऑन फर्स्ट में ये आएगा,
एच टी एच आएगा, एच टी टी आएगा, और क्या, और कोई आएगा हेड ऑन फर्स्ट में? और तो कोई एक और होगा ना, हेड ऑन फर्स्ट, एक और होगा, सर हेड हेड टेल। हेड हेड टेल भी आएगा। रक्षित लिख लिया, यस सर। बताओ विच। पहले हमें बताना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? हाँ है। ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर हेड 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 कॉमन नहीं है उसमें? ए बी में तो नहीं है ना कुछ बेटा? कॉमन नहीं है। अच्छा ए बी, सॉरी मैं ए डी देख रहा हूँ। और ए सी को चेक करो, सर कुछ नहीं है। फाई है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये। और ए डी को चेक करो, सर इसमें है। नॉट फाई, छोड़ यस सर। देते हैं फिर इसको। अब बी सी को चेक करो, सब बीसी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। रियान समझ आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। यस यस एंड रक्षित, यस सर। यस सर। हाँ। सो बी सी को चेक करें तो बी सी में कॉमन है? नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी फाई है, तो कुछ ये कॉमन भी कैसे हैं? नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। और बी डी को चेक करो, बी डी नहीं है, सर इसमें है क्या कॉमन। कॉमन है? कॉमन कॉमन है तो है। म्यूचुअली एच एच टी एक्सक्लूसिव। कॉमन है। सी और डी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सी एंड डी, सी डी को चेक करेंगे तो सी, हाँ, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू फाइव, तो सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, करेक्ट। नेक्स्ट बताओ, सिंपल इवेंट बताओ। ए एंड सी ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स, सिंपल सिंपल इवेंट है ये। नेक्स्ट आता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड सर। इवेंट इसमें सिर्फ बी और डी बी है। एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, थ्री कॉइन आर टॉस्ड, डिस्क्राइब टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। थ्री कॉइन आर टॉस्ड, सैंपल स्पेस तो वही होगा पिछले वाला, लिखने की जरूरत है यस दोबारा? सर। नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, फर्स्ट कौन देगा फर्स्ट का एग्जांपल? टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सर चांस ऑल हेड कम्स एंड चांस ऑल टेल कम्स। एच एच एस और टी हो जाएंगे। जस्ट टू इवेंट्स, एक हमने इवेंट दे दिया, थ्री हेड कम्स, थ्री हेड एंड थ्री टेल्स। और दूसरा हम कह सकते हैं थ्री टेल कम्स, तो दोनों कैसे हैं? बी इंटरसेक्शंस ए क्या है? पाई के इक्वल है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सर एक और ये भी ले सकते हैं ना, एटलीस्ट टू हेड्स एंड एटलीस्ट टू टेल्स। एटलीस्ट टू हेड एंड, हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उनमें भी कुछ कॉमन नहीं होगा। एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड, एक मिनट, कम से कम दो हेड, तो दो हेड और तीन हेड, कम से कम दो टेल, दो, हाँ ठीक है, कुछ कॉमन नहीं होगा, ले सकते हैं बेटे। सेकंड वाले का कोई एग्जांपल दो। सर सेकेंड का हो जाएगा एटलीस्ट टू हेड्स, फिर टू टेल्स और फिर थ्री टेल्स। सेकेंड का एग्जाम्पल हो गया एटलीस्ट, क्या बताया रक्षित? पहले एटलीस्ट टू हेड्स ले लो। एटलीस्ट टू हेड मतलब दो हेड, दो हेड
दो हेड, या फिर सर चार तीन भी तो हो सकते हैं। तीन हेड, या हाँ एटलीस्ट उसके टू बाद हेड। ले लो कि एग्जैक्टली टू टेल्स। एग्जैक्टली टू टेल में टेल टेल एच, टेल एच टेल, एच टेल टेल, ये हो गया। और और थर्ड लास्ट हो थ्री गया कि थ्री टेल्स। टेल्स का ले लें। तो अगर हम एबीसी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है अनएग्जॉस्ट। विचार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव, बी इंटरसेक्शन सी इज फाइव, है ना, ए इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो फाइव, एंड तीनों का यूनियन किसके इक्वल आ रहा है, सैम्पल सैंपल स्पेस के स्पेस के इक्वल। इक्वल आ रहा है। करोगे आप वे सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। सो दे आर यस सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इम्प्लाइज ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। नेक्स्ट श्रेयांश, यस सर। थर्ड का एग्जाम्पल दो बेटे। सर गेटिंग एट मोस्ट टू टेल्स और एग्जैक्टली टू टेल्स। इसमें ये कहता है कि टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपने क्या एग्जाम्पल बताया, सर एट मोस्ट टू टेल्स, एट सिर्फ दो ही मोस्ट टेल्स आ सकते हैं, और टू गेटिंग टेल, एग्जैक्टली टू टेल्स। यस एक नहीं टेल बेटा भी हो सकता है। और हाँ सर इसमें और दूसरा ले लेंगे एग्जैक्टली टू टेल्स। एट मोस्ट टू टेल, इसमें तो दो टेल वाला आएगा, और एग्जैक्टली टू टेल वाले में भी दो टेल वाला आएगा, तो कॉमन हो दो तो जाएंगे बेटा। कॉमन हो जाएगा ना। हाँ टेल तीन टेल का ले लो, एट मोस्ट वन एटलीस्ट टेल टू कर टेल, सकते हैं, थ्री टेल्स का ले सकते हैं। मतलब एट मोस्ट टू टेल एंड थ्री टेल का ले सकते हो आप। यस सर। थ्री टेल्स ले लो या थ्री हेड ले, सर पर ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन जाएंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाने हैं। हाँ नॉट है सर, सिर्फ तो कॉमन सर चेन सही है। एग्जांपल दिया था। अच्छा, हाँ हाँ तो ठीक, सही है ना सर। ये ठीक था, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का देना, मुझे लगा एक्सक्लूसिव का देना। तो इसमें क्या ले लें, थ्री एट मोस्ट टू टेल, थ्री हेड का ले लेते हैं फिर। यस सर। वो आपका भी एग्जांपल ठीक था वैसे। तो ए में क्या हो गया, एट मोस्ट टू टेल, ज्यादा से ज्यादा दो टेल, तो इसमें से तीन टेल वाला निकल जाएगा, है ना। सर थ्री हेड्स एट कैसे, थ्री एग्जैक्टली थ्री हेड्स तो तब भी कॉमन नहीं आएगा आएगा बेटा, क्यों नहीं सर। आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया ना, फिर भी समय लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली टू टेल्स। यस देखो सर। एट मोस्ट टू टेल का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा दो टेल, इसका मतलब जीरो टेल, जीरो टेल में ट्रिपल हेड आएगा, फिर आएगा वन टेल, वन टेल में दो हेड आएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। यस सर। पर थ्री एड तो हो गया ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। तो एक मिनट दो बेटे, ठीक है ये आया, और फिर दो टेल, दो टेल का मतलब ये दे और ये, ठीक है, फिर तीन तीन हेड, सॉरी ये हो गया एटमोस्ट, ये हो गया एटमोस्ट टू टेल, ज्यादा से ज्यादा दो टेल, और बी है हमारा यस थ्री हेड, थ्री अच्छा सर हेड। ठीक है। हाँ अब इन देखो, ए इंटरसेक्शन बी आप देखोगे तो कॉमन नहीं है, नॉट यस सर। फाइव मीन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, और हमें नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ये एग्जाम्पल देना था, ठीक है, मेरा वाला भी सही था ना सर। आपका भी ठीक था। फोर्थ रक्षित, फोर्थ का एग्जाम्पल बताओ बेटे। यस सर। टू मैन स्पेशल मोस्ट रिसोर्स एक्सक्लूसिव बना है सर। ये तो फर्स्ट वाला है जो हमने लिया टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली सर। एक्सक्लूसिव, थ्री नहीं, विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। इसका अच्छा विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कर दो सर। एग्जैक्टली थ्री एड एग्जैक्टली थ्री टेल जो फर्स्ट वाला था वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है पर एग्जॉस्टिव नहीं है। विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट, हाँ कोई एक ऐसा सर थ्री एग्जाम्पल, एड थ्री टेल। थ्री हेड, ए हमने ले लिया थ्री हेड, बी ले लो थ्री एच टेल्स। यानी कि ट्रिपल एच, बी हमने ले लिया थ्री टेल, थ्री टेल यानी कि ट्रिपल टेल, बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है फाइव,
लेकिन सॉरी बी इंटरसेक्शन ए, लेकिन ए यूनियन बी सैम्पल स्पेस के इक्वल नहीं है। इट मीन्स इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। यस, फिफ्थ का यस आंसर तो सर। ठीक है। फिफ्थ का बताओ कोई एग्जांपल। थ्री सो एक इवेंट ओनली वन है, इवेंट्स ओनली वन। विच ओके आर सर, म्यूचुअली वन हेड एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। एटमोस्ट, वन हेड एटमोस्ट, वन टेल एंड थ्री हेड्स। ये ये फिफ्थ और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे एक बट नॉट एग्जॉस्ट। मिनट, ये फोर्थ और फिफ्थ में कोई डिफरेंस है क्या? अच्छा, यस सर, टू इसमें इवेंट्स थ्री एंड थ्री इवेंट दे हेड्स। उसमें थ्री इवेंट्स है, एक में टू में वो एटमोस्ट वन हेड वन टेल। छोटे छोटे ले लेते हैं, बड़े में ज्यादा लिखना पड़ेगा। एक ट्रिपल ये ले लेते हैं, एक ट्रिपल टेल ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं वन टेल का ले लेते हैं। वन टेल या वन हेड का ले लो, एग्जैक्टली वन टेल। एग्जैक्टली वन टेल में ये होगा है ना? यस सर, और ये होगा। अब इनका इंटरसेक्शन आप देखोगे तो फाइव आएगा, बट यूनियन कितना आएगा? नॉट इक्वल टू एस। हाँ, ये एस के इक्वल नहीं आएगा। सो दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। ए बी सी आर मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, सारे पार्ट हो गए इसके हमारे। यस सर। एक बार रीज्वाइन कर लेना बेटा, कर ही देते हैं इसको, एंड कर देते हैं।